Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, namaskar. BK News में आपका स्वागत है. मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं BK News. कर्नाटका स्टेट किसान संघ की ओर से बसवकल्याण सिटी के KABIB में प्रेस मीट की गई. इस प्रेस मीट में जन विरोधी पॉलिसी के खिलाफ बसवकल्याण से बेंगलोर तक पब्लिक अवेयरनेस रैली SR हेरिमेट के नेतृत्व में की जाने वाली है. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जन विरोधी नेताओं के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए जन आंदोलन माजा मैत्रेय समिति की ओर से शरणों की भूमि बसवकल्याण से बेंगलोर तक पब्लिक अवेयरनेस रैली की जानकारी समिति की सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट SR हेरिमेट ने दी. प्रेस मीट में बात करते हुए कहा कि फरवरी में बसवकल्याण से बेंगलोर और चामराजनगर के माले महादेश्वर देवस्थान से बेंगलोर तक इन दोनों ओर से ये रैली होने वाली है. रैली के माध्यम से गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने वाले हैं ताकि स्टेट में 3 एग्रीकल्चर बिल, जो कर्नाटका लैंड रिफॉर्म लॉ, कॉस्ट लेटर बिल को लेकर ये रैली रहेगी. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मिनिमम अमाउंट कानूनी तौर पर कम करनी चाहिए, APMC कैंसिल करके कॉरपोरेट पावर को चांस देने के लिए और राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस को चांस देने के लिए और कॉस्ट लेटर लॉ कैंसिल करने के लिए उन्हें आग्रह किया जाएगा. ये जो जाथा का है, इनका मुख्य उद्देश्य वो समीपावृत्ति में दो है. 3 जो कायदे हैं, 2 महत्व के कायदों को, भू सुधारणा कायदा 1961, APMC एक्ट 1966 को पिछले साल 2020 में जो भी अमेंडमेंट्स किए थे उनको वापस लेना, और तीसरा जो पशु हत्या निषेध और संरक्षण का जो कायदे नया बनाए जिससे कृषिकों को बहुत दिक्कत हो रही है, आम लोगों को भी दिक्कत होती है, जिनका मांसाहार है उनको भी दिक्कत होती है, लेकिन जो विजिलांटेज, जो बदमाश लोग हैं, जो कायदा को अपने हाथ में देते हैं, उनको संरक्षण करने का साजिश इसमें है. इन तीनों को वापस लेना जिस तरह से एंड क्योर होम्योपैथिक क्लिनिक कंप्लीट सोल्यूशन फॉर ऑल हेल्थ प्रॉब्लम. उस्ताद गौड़ी होटल शॉप फॉर सेल. SVS टायर्स, टोटल टायर सोल्यूशन इन वन यूनिट. दिल्ली के बॉर्डर में ऐतिहासिक जो किसान संगठन जो है, प्रधानमंत्री झुक के क्षमा मांग के तीनों कराड़ कायदों को वापस लिया, ऐसा इनको वापस लेना है. दूसरा समीपवर्ती का महत्व का यह है, जो दिल्ली के किसान संगठन भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो हो रहा है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कनिष्ठ बेम्बला बेले जो बोल के कन्नड़ में बोलते हैं, वो अपने अन्नदाताओं को मिलना, उसके साथ ही साथ वो जो उपजाऊ होता है 23 वो उनको खरीदना, खरीदते नहीं है इसलिए उनको ये मिलता है. उसी के साथ कृषि कार्मिक लोग जो है, जो किसान काम में महत्व की भूमिका करते हैं और 45% हमारे पॉपुलेशन के हैं, उनको भी लिविंग वेजेस. इसका मूल महत्व का उद्देश्य जो है कि किसान जो हमको अन्नदाता है उनको एक गौरवयुत संतृप्त जिंदगी करना. ये आपका कब से शुरू हो रहा है? ये हमें लगता है अगर हर साल जो होता है बजट सेशन, वो फरवरी 28 को और मार्च 1 को होता है, वो होता है तो अराउंड फरवरी 15-16 को हम शुरू करते हैं. अगर कोरोना की वजह से, ये महामारी की वजह से एक हफ्ता ज़्यादा हो गया तो वैसा हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि दोनों जाथा, मले महादेश्वर बेट चामरनगर जिले से और बसव कल्याण बीदर जिले से, एक ही समय में वो बेंगलुरु में कॉन्फ्रेंस हो जाए. इस जाथा में सिर्फ कर्नाटक के रहेंगे या बाहर किसान भी शामिल होंगे? इसमें जाथा में हम बाहर के किसानों को भी कम नंबर में बुला रहे हैं, किसान के नेताओं को बुला रहे हैं, और जो महान दिग्गज है जिनके बारे में समाज बहुत गौरव करता है, तो उन लोगों को भी हम इसमें बुला रहे हैं. जैसे कि आपको मालूम है योगेंद्र यादव हैं, राकेश टिकायत हैं, और अशोक धवले जो ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष हैं, और हन्नन मौला
जो जनरल सेक्रेटरी है, ऐसे लोगों को भी हम जरूर इसमें बुलाते हैं। और महत्व के जो साहित्य हैं, जैसे देवनूर महादेव हमारे संस्थापक में एक हैं, और भी प्रोफेसर्स हैं, और जो भी लोग हैं, हम उन सबको बुला के संविधान के बारे में उसको एक बैकग्राउंड में रख के हमारे जो समीपवर्ती जो दो डिमांड है, लॉन्ग टर्म जो इसको साफ करना है जो गंदा करके बैठे हैं, तो उसके लिए हम ऐसे महत्व के लोगों को बुलाते हैं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।